ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शोभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्यौहार आते हैं, व्रत त्यौहार जिसे हम कहते हैं कि तीज त्यौहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्यौहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शोभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया जी था, जी हाँ, और नागपंचमी भी होती जी, है जी, और रक्षाबंधन भी तो होता जी, है जी, तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे? जी बिल्कुल। तो कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसके काफ़ी पद मिलते हैं, और एक प्रस्तुत करना चाहूँगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस चीज को गाना गाने का प्रयास है, और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ दिवस सलूनियो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है, की लड़ी उन्होंने गुथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाट के फुंदना कमल नाल मनु मधुप लगे गर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लय हो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुस्कन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है। इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे हाँ, हैं हाँ। तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई है, विशेष उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी जी, जी। और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई। तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक वो भी है, और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे भाई के साथ साथ भाभी को भी लुम्बा नाम की एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है उसे, कुछ लोग लुम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लुम्बा भाभी को भी बांधा जाता है जी। तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी इनके हाथों में राखी बंधी है। सुनाइए ना पद।
शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षा काल में होता है क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमती लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद बरस्यो सब ब्रज हर्ष्यो, जहाँ तहाँ ते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत, निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नैन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत, लय लय छिरकत दूध दही घृत, हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चढ़ रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया। रोरी तिलक दुकूल सुभूषण, नंद सबन पहरावत। और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर, दास बधाई पावत।
श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।